So in this reading, I want to tap into a person's energy who is not speaking to you, who is silent on your connection, who is completely who choose to be silent. ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसके साथ में आप कम्युनिकेशन में हो, कम कम्युनिकेशन में हो सकते हो, ज़्यादा कम्युनिकेशन में हो सकते हो, या रिसेंटली आपका कम्युनिकेशन कट ऑफ हो गया हो, या लॉन्ग टाइम से आपका कम्युनिकेशन ना हो रहा हो, और आप इनसे कुछ चाहते हैं, आप इनसे कुछ बात करना चाहते हैं, या आपने उनसे कुछ जवाब मांगा हो और वो बिल्कुल साइलेंट है, उन्होंने आपको किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं दिया है. सो लेट्स चेक कि ये पर्सन साइलेंट क्यों है. और ओ माई गॉश, रिबेल. सी, ये पर्सन साइलेंट क्यों है. वैसे मैंने अभी तक तो इसको हाथ ही लगाया है डेक को. बहुत ही रिबेलियस एनर्जी सामने आई है. आपने उनके अथॉरिटी को चैलेंज किया है किसी न किसी तरीके से. ये एक अथॉरिटी फिगर है, इनकी बात काफ़ी सुनी जाती है लोगों के बीच में, सोसाइटी में इनका एक रुतबा है, एक मर्तबा है. ये एक अथॉरिटी पर्सन है, बट आपने डायरेक्टली इनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया है, आपने डायरेक्टली इनके सोशल स्टेटस को चैलेंज किया है. वो ये ऐसी किसी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं करते जो कि इनको हेल्प नहीं करता, इनको सपोर्ट नहीं करता. ये एक व्हाट शुड आई से, ये जो पर्सन है ना, इनके ऊपर एक सर्टन तरीके से रहने का, एक सर्टन तरीके से बिहेव करने का एक पीयर प्रेशर है इनके ऊपर. सोसाइटी में एक सर्टन वे में अपने आप को दिखाना, सोसाइटी में अपने आप को एक सर्टन वे में प्रेजेंट करना इनका एक इनके ऊपर एक पीयर प्रेशर है. या फिर ये खुद से ऐसे हैं कि ये एक सर्टन वे में ही अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, या दुनिया को, लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि आई एम दिस अथॉरिटी फिगर. अपने आप को बहुत काम, कूल, अंडर कंट्रोल दिखाने वाली पर्सनैलिटी हैं. और जब कभी इनकी इस अथॉरिटी के ऊपर कोई डायरेक्ट ब्लेम करे, जैसा कि आपने किया, जैसा कि तो इनको बहुत रिजेक्टेड फील हो रहा है. इस वजह से ये एंगर से भरे हुए हैं और ये आउटराइट आपको और आपकी बात को, जो बात आपने इनके लिए कही है, उस बात को आउटराइट रिजेक्ट करते हैं, बिना सोचे समझे, बिना उसके ऊपर कोई सोच विचार किया, यानी कि उसको कंसीडर भी नहीं करना चाहते. आपने जो कहा है वो क्यों कहा है, उसके पीछे क्या कारण है, इन सब चीज़ों को कंसीडर भी करे बिना, क्योंकि सीधा सीधा अटैक इनको लगता है कि आपने सीधा सीधा इनकी इमेज पर अटैक किया है, इनकी सोशल इमेज पर अटैक किया है. तो बिना ये सोचे कि शायद आपकी कही हुई बात में कुछ सत्यता भी हो सकती है, कुछ ट्रुथ भी हो सकता है, आउटराइट आपको रिजेक्ट करने के लिए इन्होंने ये एटीट्यूड अपनाया है कि वो आपसे कुछ ना कहेंगे. देखिए, मैं आपको बताती हूँ, चाहे कोई पर्सन कितना भी रिबेलियस हो, या जितना भी उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, जो भी वो अपने आप को पावर में समझता है, अथॉरिटी में समझता है, पर सच तो सच ही होता है. सच को पचाना उतना आसान भी नहीं होता, और सच को, सच के अगेंस्ट जाना भी उतना आसान नहीं होता है. तो कई बार जब हम को पता होता है कि कोई बात हमसे कोई कुछ कह रहा है जो बिल्कुल सच है, या उसमें कुछ सच्चता तो ज़रूर है, भले ही 100% ट्रूथ नहीं है, बट कुछ तो 50% 60% वो बात सच है. सत्य को नकारना उतना आसान नहीं होता, सत्य के सामने जाके खड़े होना उतना आसान नहीं होता, और सत्य को पचाना भी उतना आसान नहीं होता. ऐसे में एक ही चीज़ की जा सकती है कि एक वॉल क्रिएट कर लेना, सच के बीच में और अपने बीच में एक वॉल क्रिएट कर लेना, उस सच को देखने से मना कर देना, और उस सच के ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी करने से मना कर देना. उस सच को ना ही मना करना, ना ही एक्सेप्ट करना, ना ही अपनी कोई सफाई पेश करना. इसका एक ही तरीका हो सकता है कि साइलेंट ट्रीटमेंट अपनाया जाए, चुप हो जाया जाए, मुझे कुछ नहीं कहना है. क्योंकि मुझे कुछ नहीं कहना है कि बहुत सारे मीनिंग्स निकाले जा सकते हैं. अगर आप कुछ कहेंगे तो उसका वही मीनिंग होगा जो कहा जा रहा है, ठीक है. अगर ये कुछ कहेंगे आपको तो आप वही मीनिंग लेंगे जो वो कह रहे हैं, लेकिन अगर वो कुछ नहीं कहेंगे तो आप
आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे कि आप किस डायरेक्शन में सोचे, तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट लेना चाहते हैं, आपने जो इनको कहा है उस बात पर उसको सच नहीं मानना चाहते, झूठला भी नहीं सकते, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट लेना चाहते हैं कि आप गैस करते रहें कि शायद ये वजह तो नहीं है, शायद ये वजह तो नहीं है, शायद ये वजह तो नहीं है, शायद ये वजह तो नहीं, तो ये आपको गैस करवा किए हुए रखना चाहते हैं आप। हाँ, ये बात भी सच है कि आप इनकी जो सच्चाई को आपने जाना है और आपने इनसे कहा है, इसकी वजह से आप इनकी सच्चाई को जानने के बाद डेफिनेटली यू हैव द एक आपके अंदर एक डिटैचमेंट आ गया होगा इनके प्रति, क्योंकि कुछ ऐसे सीक्रेट्स इनके आपके ऊपर रिवील हुए हैं जो कि जिसकी वजह से आपके लिए इनसे डिटैच होना, मूव ऑन करना आसान हो गया है। तो अब आपको या आपकी एनर्जी को अपने से क्लिंग करवा के रखना, अपने से जोड़ के रखने का यही तरीका है कि आपको क्लैरिटी ना दी जाए, आपको जवाब ना दिया जाए, ताकि आप उस जवाब के इंतज़ार में अटके रहें, या फिर आप अपने मन में ये सोचते रहें कि इसका जवाब शायद ये हो सकता था, या शायद इसका जवाब ये हो सकता था, या इनके ना बोलने के कारण शायद ये हो सकता था, या शायद ये हो सकता था। तो कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली मेंटली आपको अपने से अटका के रखना, क्योंकि वो खुद अटके हुए हैं आपके साथ में, ठीक है। क्योंकि जो रिबेल एनर्जी होती है ना, रिबेल किससे करोगे, किसी के प्रति आपको गुस्सा होगा तो वो उसके साथ आपको अटैच होना ही पड़ेगा। अगर आप किसी के भी प्रति गुस्सा हैं तब भी आप किसी से अटैच हैं, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तब तो उसे अटैच होते ही है, लेकिन अगर आपका किसी के प्रति गुस्सा है तो भी आप उसे अटैच होते हैं, आप किसी से नाराज हैं तो भी आप उसे अटैच होते हैं, है ना। तो ये आपने अपनी सत्यता, आपने शायद ये बात सच्चाई के साथ ओपनली इसलिए कह दी क्योंकि आप डिटैच हो चुके थे, आपने अपनी ये सारी बात ओपन अप होकर इसलिए बोली, क्योंकि देखो हम जब किसी इंसान के साथ में कनेक्शन रखना चाहते तो हम लिहाज करते हैं कि हमारी कही हुई कोई बात उसको बुरा ना लग जाए, हम इस बात का लिहाज करते हैं कि हम सोच समझ के बोलें, या फिर हम ऐसा कुछ ना कहें कि सामने वाले को बुरा लगे, क्योंकि अगर उसको बुरा लगा तो हो सकता है वो हमसे बात करना बंद कर दे, वो हमसे रिलेशन कट आउट कर दे, तो हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक जो बातें आपको इनसे कहनी थी या जो बातें आपको बहुत दिनों से पहले से पता थी लेकिन आप उनको बोल नहीं रहे थे, आप उनको कह नहीं रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी उनके प्रति अटैचमेंट था और आप नहीं चाहते थे कि वो आपकी लाइफ से चले जाएं या आपसे नाराज़ हो जाएं, आपसे बात करना बंद कर दें, इसलिए आप ये सच्चाई को उनसे नहीं बोल रहे थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपके अंदर एक सर्टन लेवल ऑफ डिटैचमेंट आ गया है, या आप उस इस रिलेशन में आप उस लेवल पे पहुंच गए कि आप सीधे सीधे आउटराइट सच बोल दें और उसका क्या नतीजा होता है उसकी आपको परवाह नहीं है, क्योंकि आप इस नतीजे के लिए तैयार हैं कि हो सकता है कि ये पर्सन लाइफ लॉन्ग कभी आपसे बात ना करे, कभी आपसे कनेक्शन ना रखे, लेकिन यू आर लाइक मेंटली रेडी फॉर दिस, यू आर मेंटली रेडी टू मूव ऑन एंड मेंटली रेडी टू लेट देम गो फ्रॉम योर लाइफ, हमेशा हमेशा के लिए आप इस रिलेशन को कट ऑफ करने के लिए जिस माइंडसेट के आप साथ अब रेडी हो गए होंगे, उसके बाद ही आपने इस पर्सन को ये सच्चाई बयान करी होगी जो आपने करी है, जो कि काफ़ी हद तक सच है। तो ये पर्सन को ये बात पता चल चुकी है कि इतनी सीधी सच्ची, या हम कहें कि कड़वी गोली अगर ये मुझे मिली है, अगर इसने इतनी सीधी सच्ची बात मुझे कह दी है, तो ये बात तो सच है कि इसके अंदर अब मेरे लिए कोई डर नहीं रहा है, मेरे लिए कोई अटैचमेंट नहीं रहा, एंड ये मुझे अब छोड़ के जाने के लिए रेडी है, ठीक है। तो अब किस तरीके से इसको अटैच करके रखा जाए, किस तरीके से इसको हुक करके रखा जाए, उसका एक ही तरीका हो सकता है कि कोई जवाब ना दिया जाए, साइलेंट हो जाया जाए, ताकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये हुक बना रहे कि इसका क्या रिएक्शन हो सकता था, इसका क्या जवाब हो सकता था, और इस तरीके से ये पर्सन एंगर की वजह से, रिबेलियस नेचर की वजह से, और अपना कंट्रोल आपके ऊपर अब भी बनाए रखने के लिए, मेंटली अपना कंट्रोल आपके ऊपर बनाए रखने के लिए शांत होकर बैठा है, चुप होकर बैठा है, साइलेंट बैठा है, आपको जवाब नहीं दे रहा है, और क्योंकि बातों से आपकी बात को काटा ही नहीं जा सकता, बातों से आपकी बात का जवाब दिया ही नहीं जा सकता, बातों से आपको जीता ही नहीं जा सकता, क्योंकि आप सच कह रहे हैं, इसलिए अब आपसे आपको हराने का, आपसे बदला लेने का एक ही तरीका है कि कुछ भी ना कहा जाए, चुप होकर रहा जाए, और इस तरीके से अपनी हार को जीत में बदलने की कोशिश कर रहा है ये इंसान चुप रहकर। ओके, लेट्स चेक कि ये पर्सन साइलेंट क्यों है आपके ऊपर, ये पर्सन साइलेंट क्यों है। बहुत सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, एक एक करके कार्ड्स लूँगी। व्हाई दिस पर्सन इज साइलेंट ओवर यू, दो कार्ड्स आए। ओके, आई विल टेक इट। मॉन्क नन, डेफिनेटली। देखिए, ये पर्सन, यू आर समवन वेरी, आप कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, ठीक है। ओ वाओ,
यू आर अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन, आप स्पिरिट को, गॉड को, भगवान को बहुत डिवोटेड हैं, सेल्फलेस हैं आप, यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। और इस बात की ये पर्सन ये कहीं ना कहीं ये बात जानता है कि वो किससे डील कर रहा है, एक मॉन्क जैसी, एक संत जैसी एनर्जी, एक एक ज्ञानी या एक भक्त या एक बहुत ही नॉलेजफुल पर्सन आप हैं, और वो इस चीज़ को, ये पर्सन इस चीज़ को जानता है कि आप नॉलेजफुल हैं, आप एक हाईली इवॉल्व्ड सोल आप डेफिनेटली हैं। और ये पर्सन ये भी जानता है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव जजमेंट दे रहे हो, अगर आप किसी चीज़ को, अगर किसी चीज़ को आपने नेगेटिवली पिकअप किया है तो उसमें सत्यता ज़रूर होगी। और ये पर्सन ये भी जानता है कि बिना बात के, बिना कारण के, बिना ऐसे ही मतलब आपको परेशान करने के लिए, आपको किसी को तंग करने के लिए आप ऐसी कोई बात नहीं बोलोगे, किसी को दुख पहुंचाने के लिए आप ऐसी बात नहीं बोलोगे। आप कोई बात अपने मुंह से तभी निकालते होगे जबकि आपके सर से ऊपर पानी गुजर जाए, आपकी नाक तक पानी आ जाए, आपके सर से ऊपर पानी गुजर जाए, आपके लिए बर्दाश्त करना बाहर हो जाए, या उस चीज़ को कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए अपने भले के लिए या दूसरे के भले के लिए, तभी आप उस चीज़ को बहुत सोच समझ कर कहते हो, राइट? और आपने जो कहा है वो बहुत अच्छी तरह से जज करके, सारी नाप तोल के आपने ये बात को कहा है। ये पर्सन को ये इस बात का, इस पर्सन को पता है। और कहीं ना कहीं आप जिस स्पिरिचुअल लेवल पर, जिस हाइट पर हो, वहाँ से खड़े होकर आपने जिस बात को कहा, इसको नकारना इस पर्सन के लिए पॉसिबल ही नहीं था। पॉइंट कार्ड भी आपके लिए, आपकी जो लैंग्वेज है ना, बहुत ही सिंबॉलिक लैंग्वेज है। भले ही आपने इस पर्सन को इसकी सच्चाई बहुत अच्छी तरीके से बयान करी होगी, फिर भी आपने अपने शब्दों पर बहुत कंट्रोल रखा होगा, आपने एक बहुत ही पोलाइट वे में अपनी बात कही होगी, सच्चाई के साथ आपने अपनी बात जरूर कही है, लेकिन कड़वाहट के साथ आपने डेफिनेटली अपनी बात नहीं कही होगी, ठीक है? आपने सच्चाई को बहुत मधुरता के साथ पेश किया है, सच्चाई को बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ, प्रेम के साथ, करुणा के साथ, कंपैशन के साथ, काइंड वर्ड्स के साथ में इस व्यक्ति को आपने कहा है, राइट? तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बात सच्ची होती है पर वो इतने सही तरीके से कही होती है कि उसको नकारा नहीं जा सकता, उसके खिलाफ एंगर नहीं शो किया जा सकता है, ठीक है? तो ये पर्सन यही समझ में इसको नहीं आ रहा है कि इस सीधी, सरल, सच्ची और अच्छी तरीके से कही हुई बात को किन शब्दों के अंदर, क्योंकि आपके जैसी खूबसूरत लैंग्वेज का इस्तेमाल करना इस पर्सन को नहीं आता, आपके जैसी पोइटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करना इस पर्सन को नहीं आता, और आप एक हाईली एनर्जेटिक पर्सन है, आपके साथ में ये व्यक्ति कोई भी इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना भी नहीं चाहता कि जिसमें क्लियर कट ये पता चले कि आपने कितनी खूबसूरती के साथ अपनी बात कही और ये कितनी नेगेटिविटी के साथ वो बात कहे। तो इस पर्सन के पास वो टेक्निक भी नहीं है, वो स्किल भी नहीं है कि ब्यूटीफुल तरीके से, खूबसूरत तरीके से आपको आपकी बात का जवाब भी मिल जाए, वो अपनी बात को क्लियर कट रख भी पाए, और जैसे आपकी बात सच होने के बावजूद और बुरी लगने के बावजूद उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसको बुरा कहा जाए, उसी तरीके से ये पर्सन इस टेक्निक के साथ अपनी बात नहीं रख सकता, ये नहीं रखना जानता इस बात को, ठीक है? ये जब किसी को जवाब देता होगा ना, किसी चीज़ का सामने जवाब देता होगा, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव तरीके से, काफ़ी गुस्से में भर के उस बात का जवाब देता होगा, और आपको भी अगर ये कुछ जवाब देना चाहे तो उतना ही गुस्से में भर के देना चाहता है, लेकिन कैसे दे, कोई खूबसूरत बहुत ही प्रेजेंटेबल सच को कोई कैसे शो करे कि वो ख़राब है, कि उसके प्रति गुस्सा कैसे दिखाया जाए, तो ये चाहकर भी अपना गुस्सा नहीं दिखा सके आपके लिए, और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना अपनी बात को इनको नहीं आता है, इसलिए बेटर है कि इन्होंने साइलेंट ऑप्ट किया है, कि बेटर है कि कुछ ना कहा जाए, क्योंकि सही तरीके से कहना मुझे आता नहीं है, गलत तरीके से मैं कहना चाहता नहीं हूँ, सच को झुठलाया जा नहीं सकता है, और इसलिए बेटर है कि साइलेंट रहा जाए। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। ओह, बुली कार्ड। मिस्टिक। ओ, जैसा कि मैंने आपको बोला, देखिए ये पर्सन आपकी स्पिरिचुअल पावर्स को बहुत अच्छी तरह से समझता है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पता है कि यू आर
इंटीमेटली कनेक्टेड विद द डिवाइन, आपके अंदर डिवाइन पावर्स हैं, आपके अंदर मिस्टिकल पावर्स हैं, और आपसे पंगा लेना ठीक नहीं है किसी भी लेवल पर, ठीक है। आपको आपको सताया जाना या आपके साथ में कोई अगर गलत तरीके से आपके साथ में बुली किया जाएगा, आपको सताया जाएगा, तो इसका कोई बैड इफ़ेक्ट इनके ऊपर आ सकता है। ये चीज़ का पता नहीं इस पर्सन को कहीं ना कहीं पता है, ठीक है। आपको अपनी बात को रखने के लिए या आपको अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए कोई अलग से किसी को बुरा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका सच ही अपने आप में इतना पावरफुल है, आपके वर्ड्स ही अपने आप में इतने पावरफुल हैं कि आप चाहे कितने भी बढ़िया तरीके से वो बात कहेंगे ना, जहाँ पर जाकर वो बात तीर का निशाना लगना चाहिए वो वहाँ सीधा निशाना लगता है। और आपने जो भी बात कही है वो इस पर्सन के बिल्कुल वी कैन से कि जिस जगह पर जाकर चोट करना चाहिए था उस एग्जैक्टली उसी जगह पर जाकर चोट की है उस बात ने। ये पर्सन जिन सच्चाइयों को खुद को भी बयान नहीं करना चाहता, जिन सच्चाइयों से खुद भी डर रहा है, खुद भी भाग रहा है, खुद भी कन्फ्रंट नहीं करना चाहता जिन सच्चाइयों को, आपने बहुत सधे हुए नपे तुले शब्दों में इस व्यक्ति के सामने वो सच्चाइयाँ रखी हैं। इस व्यक्ति के दबे हुए छुपे हुए डरों को जैसे एकदम से सरफेस पर लिया है, जैसे ज्वालामुखी फटता है ना, अंदर की सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। इस पर्सन ने बहुत अच्छी तरह से कंसील करके छुपा के अपने जो सच अपने आप से भी दबा के छुपा के रखे थे, आपने अपनी मिस्टिकल पावर से उनके वो सच उनके सामने उजागर कर दिए हैं। नाउ दिस पर्सन इज़ इन अ शॉक कि ये चीज़ें सरफेस पर आ कैसे गई, इसको पता चल कैसे गया और इसके अंदर ऐसी क्या पावर्स हैं, और अगर इसके अंदर ऐसी पावर्स हैं तो क्या इससे पंगा लेना ठीक होगा, क्या इसको सामने जवाब देना ठीक होगा। हालांकि ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है और काफ़ी एंगर बहुत गुस्से में है और ये चाहता है कि बहुत कुछ बोल दे आपको, ठीक है, लेकिन ये फिर भी साइलेंट रहने को प्रिफर कर रहा है ये पर्सन। वाई दिस पर्सन इज ऑप्टिंग फॉर साइलेंस, ये पर्सन चुप रहना क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, चुप रहना क्यों प्रिफर कर रहा है। ओ कंपेनियन, मोस्ट पॉसिबली दिस पर्सन लव्स यू, ओके दिस पर्सन लव्स यू। देखिए ऐसा है कि हो सकता है कि आपने इनको जो कुछ कहा है, इस व्यक्ति के एक्शन कुछ ऐसे रहे होंगे, हर्टफुल एक्शन रहे होंगे, इस व्यक्ति ने कुछ तो ऐसा किया जरूर है कि जिसकी वजह से आपने इनको आईना दिखाया है, ठीक है। ये अपने एक्शंस को तो ठीक नहीं कर सकते, जो इन्होंने आपके प्रति एक्शन कर दिए, जो गलत एक्शन कर दिए वो तो ये ठीक नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन कम से कम चुप रह के आपके प्रति रेस्पेक्ट और लव शो कर सकते हैं। ब्यूटिफुल, देखिए ये व्यक्ति अपने एक्शंस को तो अब ठीक नहीं कर सकता, या अपने एक्शंस का तो कोई सफाई नहीं है उसके पास आपको देने के लिए, बट आउट ऑफ लव, आउट ऑफ लॉयल्टी उन्होंने ये चूज किया है कि एटलीस्ट मैं अपने एक्शन से तो सारी चीज़ें खराब कर ही चुका हूँ, कम से कम अपने मुंह से चीज़ें खराब ना करूँ, अब बात करके शब्दों से अब चीज़ें खराब ना करूँ। Definitely this person has deep feelings for you, deep love for you, tender feelings है इनके मन में आपके प्रति, और ये बात ये चीज़ इनको पता है कि चाहे आपने कोई भी शब्द कहे हो, कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया हो, लेकिन आपने वो जो कुछ भी कहा है एक सेल्फलेस वे में कहा है, आपने उनके भले के लिए कहा है, आपने उनको बुरा लगे इसके लिए नहीं कहा है, आपने जो कुछ कहा है उसमें भी सॉफ्टनेस है उनके प्रति, उसमें भी आपका प्यार आपका लॉयल्टी झलक रही है, आपने जिस भी वे में उनको कोई भी जवाब दिया उसमें भी आपका प्यार आपकी लॉयल्टी आपका केयर झलक रहा है, उसमें भी ये झलक रहा है कि यू लव देम, और वो उस खूबसूरत फीलिंग को भी कैच कर पा रहा है कड़वे शब्दों के बिटवीन द लाइन्स, जो कड़वे शब्दों की जो लाइन्स आपने लिखी उनके बीच में छुपे हुए प्यार को ये इंसान की एनर्जी को ये इंसान कैच कर पा रहा है, और ये उन शब्दों का जवाब भले ही ना दे रहा हो लेकिन उन उस लविंग एनर्जी का जवाब ये लविंग एनर्जी से दे रहा है, चुप रहकर ये आपके उस लव का जवाब दे रहा है।
वाओ, दिस इज समथिंग वेरी अनयूजुअल. व्हाई दिस पर्सन इज चूजिंग साइलेंस ओवर वर्ड्स? व्हाई दिस पर्सन इज चूजिंग साइलेंस ओवर वर्ड्स? रेस्क्यूअर. ओ देखिए, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपना बहुत बड़ा रेस्क्यूअर मानता है, सपोर्टर मानता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ मानता है. क्राइसिस में आपने इसकी मदद की, किसी तरह के बिग क्राइसिस में आपने इसकी मदद की है, या किसी तरह के बुरे टाइम में आपने इनका सपोर्ट किया, इनका स्ट्रेंथ दिया है, और आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया है. आपने कुछ ऐसे लव के एक्ट्स किए हैं इनके साथ, बदले में बिना कुछ चाहे आपने इनके लिए बहुत लविंग एक्ट्स किए हैं, काइंड एक्ट्स किए हैं, इनको सपोर्ट किया है. राइट? इनकी डूबती हुई नैया को कहीं ना कहीं आपने सहारा दिया है. जब इनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत थी, आपने इनको तब वो सपोर्ट दिया है. जब इनको वो सपोर्ट कहीं से नहीं मिला, तब वो सपोर्ट आपने इनको दिया है, और बदले में ये आपको वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए कभी. आपने जो इनको लव दिया, आपने इनको जो सपोर्ट दिया, आपने इनको साथ जो काइंडनेस शो करी, उसके बदले में ये कभी उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए. ये आपसे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, स्ट्रेंथ, लव लेते रहे, लेकिन बदले में कभी आपको कुछ दिया नहीं. और अब जब आप इनको वर्ड्स के थ्रू कुछ बोल रहे हो, तो इनको ये बात पता है कि मैंने कभी इसको बदले में कुछ अच्छा तो नहीं दिया है, कम से कम मैं इसको बुरा ना दूँ. मैं इसके लिए अच्छा तो कुछ नहीं कर पाया, बट एटलीस्ट मैं इसके लिए कुछ बुरा ना करूँ. इसलिए ये व्यक्ति साइलेंट होना चूज़ कर रहे हैं. ट्रिक्स्टर. प्रीस्ट. सी, ये आपको बहुत ही हाई वाइब्रेशनल स्पिरिचुअल एनर्जी में देखते हैं. वो ये समझते हैं कि आप स्पिरिचुअली काफ़ी कमिटेड हैं. यू सर्व एज ए चैनल ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी. आपके थ्रू ईश्वर बात करते हैं, आपके थ्रू डिवाइन बात करता है, आपके थ्रू एक हाई स्पिरिचुअल एनर्जी सर्कुलेट होती है, जो इनको कहीं ना कहीं मिलती है, जो इनको सपोर्ट करती है. और आपसे कुछ कहने का सीधा मतलब है कि ईश्वर के साथ में, ईश्वर को वो कड़वे शब्द कहना, जो आपको कहा जाएगा वो सीधे ईश्वर तक पहुंचेगा, ऐसा इनके दिमाग में है कुछ. ओप्स, नेटवर्क. हाँ, मैंने कहा ना, यू आर अ मैसेंजर ऑफ गॉड. ये इस बात को समझते हैं, यू आर अ मैसेंजर ऑफ गॉड. आपके साथ में कुछ, आपको कुछ कहना मतलब कि डायरेक्टली ईश्वर से बात करना है. तो बेटर है कि अगर हम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, अगर एम्पैथिकली कुछ नहीं बोल सकते, अगर अच्छा कुछ नहीं बोल सकते, तो एटलीस्ट ऐसे कोई शब्द ना निकल जाए जो कि बाद में जिनको वापस लेना भारी पड़ जाए. ठीक है, बढ़िया है. वाओ, this person definitely has love for you, this person definitely has soft feelings for you. ये आपकी चाइल्ड लाइक लविंग केयरिंग सॉफ्ट एनर्जी को फील कर पाते हैं. और चाहे आपने कुछ भी कहा हो या कुछ भी किया हो, लेकिन उसके पीछे के छुपे हुए एक अनकंडीशनल लव को ये पर्सन फील करते हैं. एंड यस, मैंने जैसा कहा कि इनको अच्छी तरह पता है कि आपने जो कुछ भी कहा है, लिख के भेजा है, शायद उसमें आपकी नॉलेज झलक रही है, उसमें सच्ची इंफॉर्मेशन झलक रही है. तो सांच को आंच कैसे आ सकती है? वैम्पायर. इनको अपनी शॉर्टकमिंग्स बहुत अच्छी तरह से पता है, जो आपने लिखी है वो इनको भी पता है, इसलिए वो इसको डिनाई नहीं कर सकते. शेप शिफ्टर. यस, डेफिनेटली ये जानते हैं कि आपने अगर कुछ लिखा है तो इसीलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट किया है. जो इन्होंने दिखाया वही आपने लिखा है, जो इन्होंने किया है वही आपने लिखा है, तो गलत कुछ भी नहीं लिखा है. इसलिए भी ये आपकी बात को अपोज नहीं कर रहे हैं.
आपके दूसरे डेक से देखना चाहूंगी मैं इसको, व्हाई दिस पर्सन इज कीपिंग और मेंटेनिंग साइलेंस, व्हाई दिस पर्सन इज कीपिंग और मेंटेनिंग साइलेंस, व्हाई दिस पर्सन इज कीपिंग साइलेंस मेंटेनिंग साइलेंस। किंग ऑफ अर्थ, स्टार, ओ, इस पर्सन को अभी भी इस रिलेशनशिप से होप है, इस पर्सन को अभी भी, तो थ्री ऑफ फायर, यस डेफिनेटली यस, इस पर्सन को अभी भी लगता है कि आपके और इनके बीच में अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चीज़ों को वर्कआउट किया जा सकता है। नाइन ऑफ फायर, ये पर्सन ये भी सोचा है कि इस वक्त आप डिफेंसिव हुए हुए हैं, इस वक्त आप थोड़े से उखड़े हुए मूड में हैं, तो आपको ना छेड़ा जाए, शांति धारण करके रखी जाए, ग्राउंड अपना शांत रहा जाए, चुप रहा जाए, और दूर से रहकर, थोड़ा दूर रहकर चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाए। टू ऑफ अर्थ, और इस इम्बैलेंस्ड एनर्जी को, इस इम्बैलेंस समय को थोड़ा शांति से गुजर जाने दिया जाए। फाइव ऑफ वाटर, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको काफ़ी डिसअपॉइंट कर चुके हैं अपने एक्शन से, और वो आपको और डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, और आपका डिसअपॉइंटमेंट उनका खुद का डिसअपॉइंटमेंट है, आपका दुख उनका दुख है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली है, और वो आग में घी नहीं डालना चाहते, क्योंकि आग आप ऑलरेडी लगा चुके हैं और वो उस आग में आप घी नहीं डालना चाहते हैं, इसलिए वो आपकी बाउंड्रीज़ का रेस्पेक्ट कर रहे हैं। थ्री ऑफ एयर, यस डेफिनेटली, मैंने बोला ना आपका दुख उनका दुख है, आपको हर्ट करके उनको अच्छा नहीं लगता, आपको हर्ट करना उनको पसंद नहीं है, आपका हर्ट उनका हर्ट है, और जो कुछ आपने कहा है वो ऑलरेडी ये बता रहा है कि आप हर्ट हो, वो ऑलरेडी बता रहा है कि आप हार्ट ब्रोकन हो, वो ऑलरेडी बता रहा है कि आप उनकी वजह से दुखी हो, और अब कुछ और जवाब देकर वो आपको और दुखी नहीं करना चाहते हैं। पेज ऑफ फायर, एंड ही इज स्टिल होपफुल कि चीज़ें फिर से ठीक होंगी, चीज़ें फिर से रिजॉल्व होंगी, और आप फिर से एक लविंग केयरिंग एनर्जी में आओगी, आओगे, व्हाटएवर, समय बदलेगा, समय का साइकिल बदलेगा। सेवन ऑफ फायर, तो जब तक आप डिफेंसिव मोड में हो तब तक आपसे सेफ डिस्टेंस बना के रखा जाए। सिक्स ऑफ फायर, उसी में सफलता है, चुप रहने में ही भलाई है, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं, और इसलिए ये पर्सन साइलेंट रहना चूज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। 2023 ख़त्म होने वाला है, नए साल में हम एंटर करने वाले 2024 में, तो 2024 की रीडिंग्स बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ, और लेकिन उसके पहले एक बात, आज जस्ट मैंने कैमरा ऑन किया और मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। जब भी मैं कैमरा के सामने आती हूँ मोस्टली आपने मुझे एक हैप्पी वाइब में देखा होगा, एक बबली वाइब में देखा होगा, हाँ कभी कभी मैं ऑफ, बिल्कुल ऑफ मूड में भी कैमरा के सामने आती हूँ, मैं अपने मूड को जैसा हूँ वैसा बताने में मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती, बट मुझे लगता है कि आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक हैप्पी वाइब्रेशन में रहती हूँ, और वही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि अपनी लाइफ में हमेशा वाइब्रेशन से हाई कैसे रहा जाए, और कैसे अपनी वाइब्रेशन बदल के आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो क्या मैं हमेशा ऐसे ही हाई वाइब्रेशनल रहती हूँ, या मुझे कोई ट्रिक आती है? मैं हमेशा हाई वाइब्रेशंस में नहीं रहती हूँ, हमेशा ऐसी हैप्पी बबली नहीं रहती हूँ। बहुत बार जिस तरह सबकी जिंदगी में होता है, एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में होता है, तो मैं भी शिट की तरह फील करती हूँ, बहुत क्रीपी फील करती हूँ, मुझे एंग्जाइटी भी होती है, गुस्सा भी आता है, कभी कभी डिप्रेशन भी होता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस सब कुछ बंद करके और मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, इस तरह का एक डिटैचमेंट भी आता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग भी हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा किसी के प्रति अटैचमेंट भी फील करने लगती हूँ। लेकिन ऐसा क्या है कि बहुत सारे लोग जब किसी एक पर्टिकुलर नेगेटिव सिचुएशन को डील कर रहे होते हैं, या किसी एक नेगेटिव इमोशन को फील कर रहे होते हैं, तो उनसे उनको उस एनर्जी से बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेट गो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग हाई वाइब्रेशन में रहते हैं
या जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं या आप लोगों के सामने जब कैमरा फेस करते हैं तो उनकी या सोशल मीडिया पर भी दूसरे इंस्टाग्राम पर भी आप सेलिब्रिटीज़ को देखेंगे, बॉलीवुड स्टार्स हॉलीवुड स्टार्स को जब आप देखते हैं तो अपने को, मुझे भी आपको भी हम सभी को ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, इनकी लाइफ में सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा है, और हम तो बस हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, इस पर्सन ने हमारी लाइफ हेल कर रखी है, वो पर्सन हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वो सिचुएशन की वजह से हम स्टक फील कर रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है ना, मुझे भी पहले ऐसा लगा करता था कि शायद मैं, मेरे अंदर वो पावर ही नहीं है कि मैं अपनी वाइब्रेशंस को चेंज कर सकूँ, मैं अपनी सिचुएशंस को चेंज कर सकूँ और मैं वो हो सकूँ और वो मैं वो बन सकूँ जो कि मुझे बनना है। मुझे सिचुएशंस मुझे हैंडल नहीं कर सके, लोग मुझे कंट्रोल नहीं कर सके, मेरी लाइफ की सिचुएशंस मुझे कंट्रोल नहीं कर सकें, बल्कि ये मेरे कंट्रोल में हो कि मुझे कैसे जीना है, मुझे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, मुझे कैसे अपने आप को बाउंस बैक करना है। हाँ, ये बिल्कुल सही वर्ड है, विवेक बिंद्रा इस शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, आपने कभी उनके मोटिवेशनल वीडियो सुने होंगे। तो बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी है हम सब लाइफ में। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह से शाम तक ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं आई हो कि हम लो फील करें, हम डाउन फील करें, लेकिन उसमें आप स्टक रहते हैं या आप उससे बाउंस बैक कर सकते हैं, वो आपकी सफलता है। लोग आपको ड्रैग डाउन करने की कोशिश करते हैं, आपकी एनर्जी को स्नैच करने की कोशिश करते हैं, आपके मूड को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, और ये हमेशा होता है, हर जगह होता है, चाहे आप वर्किंग स्पेस में हो, घर पर हो, या रिलेटिव्स के बीच में हो, या बच्चों के साथ, या हस्बैंड वाइफ के बीच में भी। तो क्या है वो टेक्निक जिससे मैं अपने आप को ऐसे चुटकी बजाते ही बाउंस बैक कर पाती हूँ? वही टेक्निक सिखाती हूँ मैं अपने स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में। जब लेडीज़ मेरे पास आती हैं बहुत ही मिजरेबल कंडीशंस में होती हैं, किसी चीज़ पर अटक जाती है, उनकी लाइफ बस भटक जाती है और उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा होता कि इस डेड एंड में से अपनी लाइफ को हम कैसे बाहर निकालें, लेकिन जब वो मेरे पास आते हैं, मेरे हीलिंग कोर्स में आते हैं, और कुछ ही महीनों में जैसे कि कुछ चमत्कार होने लगता है। आप रिव्यूज़ पढ़ते होंगे, अगर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़िए, कम्युनिटी पोस्ट पर जाके लोगों के रिव्यूज़ पढ़िए, जो रिव्यूज़ के वीडियोज़ में पोस्ट करती हूँ वो आप सुनिए जाके, वो आप लोगों के लिए पोस्ट किए जाते हैं। ये जो आप चमत्कार देखते हो ना, ये चमत्कार मेरे हाथ में है, मेरे स्टूडेंट्स के हाथ में है और आपके हाथ में भी है। थोड़ी सी एक कोई टेक्निक है जो मैं बस सिखा देती हूँ और फिर उसके बाद लोग परवाह नहीं करते कि उनके चारों तरफ टॉक्सिक लोग हैं या उनकी सिचुएशंस कैसी हैं या उनको फाइनेंशियल ट्रबल है, कुछ भी नहीं। उनको बस फोकस करना होता है, उनको बस अंदर से एक वाइब्रेशन आती है कि मुझे अपनी लाइफ को अच्छा करना है, और उस हाई वाइब्रेशन के अंदर उनकी लाइफ में सच में चमत्कार होने लगते हैं। एक साल 2023 और ख़त्म हो चुका है, क्या आप अभी भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि बस मैं इस पुरानी एनर्जी में से बाहर निकल जाऊं, बस मैं ज़िंदगी को जीना शुरू कर दूं, बस कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे हाथ में कोई ऐसी जादू की छड़ी लग जाए कि लोगों को तो मैं बस ऐसे ही निपटा दूँ, अगर कोई मुझे बेकार फील करवाने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई मुझे टेंशन देने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई मेरी एंग्जाइटी का कारण बन रहा है, तो उसकी बाउंड्रीज़ में तुरंत उसको समझा दूँ कि कीप आउट, कीप अवे फ्रॉम मी। क्या इस बाउंस बैक एनर्जी में आप आना चाहते हैं, एक हाई वाइब्रेशन लाइफ जीना चाहते हैं, और लाइफ के 24 घंटों में से कम 23-23.5 घंटे आप हैप्पी फील करना चाहते हैं, एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए मेरा स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। जब तक आप सोचते रह गए, पूरे 2023 निकल गया, 22 निकल गया, 21 निकल गया, 20 निकल गया, 4 बैचेस निकल चुके हैं, 400 से भी ज़्यादा लोगों ने इस स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का फ़ायदा उठा लिया है, और आप अभी भी अगर सोच रहे हैं तो 2024 को मत गंवाइए, क्योंकि 2024 की एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल केयर के लिए, पर्सनल हीलिंग के लिए। बहुत यूनिवर्सल एनर्जीज ऐसी हैं कि वो आपको सपोर्ट करेंगी, जो चीज़ें शायद दूसरे किसी टाइम में ज़्यादा मैनिफेस्ट करना मुश्किल होता, इस टाइम में वो मिरेकल्स होने ज़्यादा आसान हैं, और मेरे साथ जुड़कर तो आप डेफिनेटली वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं ज़िंदगी में जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आप सैड हैं, डिप्रेस हैं, एंग्जाइटी से भरे हुए हैं, बाउंस बैक करना चाहते हैं, तो संपर्क कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर और ज्वाइन कीजिए मेरा स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आज ही। क्या आपको टैरो रीडिंग्स देखकर बहुत फैसिनेटिंग फील होता है? क्या आपको मेरी टैरो रीडिंग्स पसंद हैं? और क्या आप आश्चर्य करते हैं कि 2-4 कार्ड्स देखकर इतनी डिटेल रीडिंग कैसे की जाती है, कैसे किसी के बारे में
कार्ड देकर सब कुछ बता दिया जा सकता है? और क्या आप भी ख्वाब देखते हैं कि आप भी ऐसे टैरो रीडर बने, आपका भी एक यूट्यूब चैनल हो और उस पर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर की तरह लोगों को गाइड कर सकें? तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है माइंडफुल जर्नीज प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अपने खुद के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को और 5 सालों में जितने लोगों की मैंने पर्सनल रीडिंग्स की है, उन अनुभवों को लेकर जो कुछ मैंने टैरो में देखा, सुना, पढ़ा है, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर जो कुछ भी लर्निंग्स मैंने ली हैं, उन सभी लर्निंग्स का निचोड़ लेकर आ रही हूँ मैं इस प्रोफेशनल टैरो रीडिंग कोर्स में। इस कोर्स को करने के बाद आप प्रोफेशनली टैरो रीडिंग कर पाएंगे, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए और दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लगी। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं, आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मनपसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा, रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लगी। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई, लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है, ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाए, आप उनका कोर्स ले, और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं, और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटर दिया, ऐसा गुरु दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुँच रही है, तो
तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हों और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पर एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है, जैसे फैमिली एक बिजनेस है वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करते हैं, करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं, और बहुत दिनों से मैंने जो जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है मेरी। प्रगति, और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं, और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाई नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा, मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक को
उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं